So today we are going to start up with a new chapter, and the name of your chapter is How Many Times? So what is in this chapter? This chapter is basically about multiplication. Multiplication seeking here, how many times? Kitne times? Okay. So हम लोगों को पता है कि जो multiplication होता है आपका वो होता है repeated addition. Okay. So multiplication is repeated addition. Repeat मतलब बार बार आना और एडिशन मतलब एडिशन में जो हम प्लस करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज 8 + 8 + 8. ओके 1 2 3. आई हैव रिटन 3 × 8. फाइन. सो 3 × 8 फिर टाइम्स के जरिए आपका आ जाता है मल्टीपल का साइन. टाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल. सो वी विल राइट 3 × 8 दैट गिव्स यू 24. ओके. Now move on to the next example. 4 + 4 + 4 + 4 + 4. How many times I have written 4? 1, 2, 3, 4, 5. I have written 5 × 4. Okay, so I'll write over here 5 × 4. 5 × 4, that is 20. Okay, अब आपको ये देख के समझ आ गया है कि जो multiplication है वो repeated addition होता है. यानी कि जब आपको addition same number को 3-4 बार लिखा है या मोर देन वन टाइम लिखते हैं जब हम किसी नंबर को सेम नंबर को बार बार तो फिर उसको हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी करते हैं. ओके नाउ सी हियर 6 + 6 तो आई हैव रिटन 2 × 6. सो आई राइट ओवर हियर 2 × 6 दैट इज 2 × 6. हमें रिपीटेड एडिशन की जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी क्यों जरूरत है? देखो जो छोटे छोटे नंबर्स हैं लाइक 8 + 8 + 8 कम टाइम्स आया है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं 8 + 8 = 16 + 8. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. लेकिन जब कोई बड़ा नंबर आता है तो हमें फिर डिफिकल्टी हो जाती है उसे उतनी बार ऐड करने में. लाइक 20 + 20 पहले 40 करेंगे, फिर 20 + 60 करेंगे, फिर 20 + 80 करेंगे. सो इसमें एक सिंपल तरीका ये हो जाता है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें सेम नंबर को. ओके, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1, 2, 3, 4. सो मैम ने क्या लिखा है? 4 × 20. तो यहां पर मैं लिख दूंगी 4 × 20 दैट इज 4 × 20 दैट विल गिव यू 8. ओके नाउ मूव ऑन टू द लास्ट एग्जांपल. आई हैव रिटन 7 और कितने टाइम्स लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आई हैव रिटन 7 टाइम्स. सो यहां पर मैं लिखूंगी 7 times means 7 बार. क्या चीज है? 7. सो 7 × 7 विल गिव यू 49. सो आई होप आपको ये समझ आ गया है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन होता है. ओके, एक पर्टिकुलर नंबर या एक सेम नंबर को जो हम ऐड ऐड करके काफी बार लिखते हैं तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं. ओके, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. सो नाउ यू आर एबल टू डू द वर्कशीट दैट आई हैव गिवन विद दिस टॉपिक. फाइन.